धनंजय 2598, प्रियांशी आर्या 2887, अभिजीत घोष 2409, मोहम्मद साजिद 2574। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर वामपंथी छात्र संगठनों ने जीत हासिल की है। इस बार भी ये चुनाव वामपंथी संगठनों ने मिलकर लड़ा था। जेएनयू की इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन शैलेंद्र कुमार के मुताबिक छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर धनंजय, उपाध्यक्ष पद पर अभिजीत घोष, महासचिव पद पर प्रियांशी आर्या और संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद साजिद को जीत मिली है। अध्यक्ष पद पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा के धनंजय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा को हराया है। धनंजय को 2598 और उमेश चंद्र अजमीरा को 1676 वोट मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ उपाध्यक्ष पद पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के अभिजीत घोष चुने गए हैं। उन्हें 2409 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी की दीपिका शर्मा को 1482 वोट मिले हैं। महासचिव पद पर बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन यानी बापसा की प्रियांशी आर्या ने जीत दर्ज की है। उन्हें लेफ्ट संगठनों का समर्थन हासिल था। उन्हें 2887 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी के अर्जुन आनंद 1961 वोट ही हासिल कर पाए। इस पद पर लेफ्ट की तरफ से पहले स्वाति को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन मतदान के कुछ घंटे पहले उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। उसके बाद लेफ्ट संगठनों ने बापसा की प्रियांशी आर्या को समर्थन दिया था। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर इस बार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF के मोहम्मद साजिद को जीत मिली है। उन्हें 2574 वोट मिले हैं। इस पद पर एबीवीपी के गोविंद दांगी को 2066 वोट मिले हैं। जेएनयू में पिछला छात्र संघ चुनाव साल 2019 में हुआ था, उसमें भी वामपंथी संगठनों ने ही जीत हासिल की थी। छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था, जिसमें से 3 पर वामपंथी संगठनों और 1 पर बापसा ने जीत दर्ज की है। वामपंथी संगठनों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मैदान में था। इसके अलावा बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन, कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI, राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संगठन छात्र राजद और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा ने भी उम्मीदवार उतारे थे। जेएनयू में 4 साल के अंतराल के बाद ये छात्र संघ चुनाव हुए हैं। कोविड महामारी की वजह से बीच में चुनाव नहीं हुए थे। इससे पहले साल 2019 में हुए चुनावों में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की छात्र नेता आयशी घोष अध्यक्ष चुनी गई थी। उनकी उम्मीदवारी का वामपंथी छात्र संगठनों ने समर्थन किया था। शुक्रवार को हुए मतदान में करीब 73% वोट पड़े थे। ये पिछले 12 सालों में सर्वाधिक है। 2019 में 67.8% छात्रों ने वोट डाले थे।